गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने वाले हैं, इस वीडियो का नाम आपको आपको पता ही होगा, वैसे टाइटल देख लिया होगा, बेस्ट वीडियो है इस चैनल की, मतलब उसके चैनल की, हमारी भी शायद हो सकती है। वीडियो का नाम है या माय स्टोरी इज फुल ऑफ फेलियर्स। खुद ही हमने के 1 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर चुके हैं, उसके लाइफ का सबसे बड़ा गोल होगा ये, ठीक है। तो इसने एक वीडियो बनाई है, मतलब स्ट्रगल पे सभी करते हैं स्ट्रगल, ठीक है। हाँ, मेरा भाई भी कर रहा है बहुत ज्यादा। क्या करें यार, रब है धंधा नहीं ना किसी नु, ठीक है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन देखो, पक्का जाकर भाई ने इतनी मेहनत की है, 4-5 साल लग गए उसके यहाँ पे आने के लिए, तो एक बार हेल्प करें उसकी और ग्रो करने के लिए, और इसकी वीडियो ये वाली उसके चैनल की सबसे बड़ी वीडियो बनाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो वीडियो शेयर करें, 1 2 4 साल लग गए। पहले मैं सुनाता हूँ आपको मेरी कहानी, दास्तान, माय जर्नी, माय स्टोरी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी से अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो जा सकते हो, हमारी दूसरी वीडियोस आ रही हैं, तो ज्वाइन कर लेना। लेकिन ये 1 मिलियन स्पेशल। तो मेरा नाम रजा समो है एंड आई बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन सिंध जिसका नाम है लाड़काना, जहाँ पे सारे भुट्टो दफन है, वही लड़काना। मेरे अब्बा जी मोटरसाइकिल्स की वर्कशॉप में काम करते थे, उन्होंने अपनी जिंदगी पापा वर्ग अपने में ना सेविंग सेम एक ही ख्वाब देखा कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। तो अखबार में ऐसी खबर आई, एक यूनिवर्सिटी थी जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कराती थी, मैंने टेस्ट दे दिया और मुझे नहीं पता कैसे मैं सेलेक्ट हो गया और मैं चला गया इस्लामाबाद एरोनॉटिकल इंजीनियर। कैसा लग रहा है? वहाँ के टीचर जो भी पढ़ाते थे वो मेरे सर से साइनोसाइडल वेव बना कर निकल जाता था, मुझे तक नहीं समझ आता था, इसलिए मैं पीछे वालों के साथ शुगर लगा रहा होता था या फिर भाई से बड़ी उबासियाँ ले रहा होता था। मसला ये था कि अपने शौक जरा फनकारों वाले थे, खाला पप्पो अम्मी घर की सारी दूर दूर की औरतों से चंदा भीख मांग के DSLR ले लिया और हर कीड़े हर परिंदे की फोटो लेना भाई शुरू हो गया। तो वाले कीड़े ने थोड़ी चुरपुर बंद की तो मैं फिर डांस करने लग गया, ये माइकल जैक्सन, ये पॉपिंग, लॉकिंग, टटिंग, बटिंग, भाई वाज किलिंग इट। स्टेज पे चढ़ने से सारे का मुकाबले स्टेज का फियर खत्म हो गया, क्योंकि मैं अच्छा था तो लोग सारे चीयर अप करते थे, अगर बू करते तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस वहां से। हां लोग, आज तो अपने मुंह मियां मिट्टी में जरूर बनूंगा क्योंकि 1 मिलियन है हो आपको। मैं थोड़ी सी स्केचिंग भी कर लेता था, कोई काम में चढ़ा नहीं, उसको बर्थडे पे स्केच बना के इसी दौरान मुझे दोस्त मिला शेरम, अब जो थोड़ी बहुत बीट बॉक्सिंग मुझे आती है ये उसी की कृपा है। हम दो क्लासियों की दोस्ती इतनी अटूट बन गई कि हमने पढ़ना लिखना तो साइड में कर दिया, जहाँ पे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए थी वहाँ हम अपने कमरे की अलमारियाँ बजा म्यूजिक कर रहे। अब यूनिवर्सिटी में अगर कोई लड़का मस्त मलंग हो के झाड़ू को उठा के गिटार बजाने लग जाए तो फिर उसके दोस्त भी काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर इंसान जिंदगी में फन चाह रहा है, अगर फन दे रहा है तो उसके पास आ जाते हैं। सोशलाइजिंग करते करते फ्रेंड्स का सर्कल बढ़ता गया बढ़ता गया, मतलब मैं फुल ऑन सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुका था। लड़का था जब पूरी क्लास के लोग ध्यान से लेक्चर सुन रहे होते थे और मैं लास्ट बेंच में बैठ के कोई पुट्टी पुट्टी हरकतें करता था, कोशिश यही होती थी सारे मैंने भी की थी पर बहुत पितर बया में सबको असा खिला के शुगल मस्ती लगा के जब हॉस्टल जाते थे तो एक कंबल में 3 लड़के घुस के सीनियरों की गीबत का सेशन स्टार्ट करते थे, तो सब अपनी कंपनी जा रहे होते हैं, इस वजह से मुझे अक्सर यूनिवर्सिटी की ट्रिप्स में आधे पैसे देने पड़ते थे या फिर फ्री में भी लोग लेके जाया करते थे। भाई के अंदर का फंड तो खुलता ही तब था जब हम किसी ट्रिप पे बस में जा रहे होते थे, भाई भाई वो लड़का क्या सीन होते, वो में लीड कर रहा होता है, डुम्बक बजा के सबको नचा रहा होता है। जब आप क्लास के लाडले होते हो ना तो आपकी बर्थडे पर केक भी इस तरह का कस्टम बन के आता है जिसपे आपकी शक्ल होती है, वो केक नहीं होता जिसपे आपकी मतलब शक्ल बनाते हैं, आपको बनाते हैं ऐसे रंगीन बहुत ही बकवास होता है, पर आई नॉट टेस्टी होता मेरा केक सी ना अपना मूड तो बनवा ऐसा। हां मेरे बर्थडे को, हां तू ही तो था साथ में, नहीं था भाई, है था भाई, पिक दिखा दूंगा और अगले को बस इंटरटेन कर दिया, बस यही मकसद होता था सबको खुश करना है, इसी में मुझे भी स्पेशल फील होता था। इस चीज को तो मैंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया कि हर सेमेस्टर के बाद मेरा रिजल्ट बहुत खराब आता जा रहा है, बट क्या हो जाएगा फिर मैं
चैनल शुरू जिसका नाम रखा मैंने खुजली फैमिली और सारे दोस्तों के साथ मिलकर मैं बनाने लगा स्केचेस वीडियोस एक्टिंग करता था मिडिल क्लास किस्म की डायरेक्शन करता था एडिटिंग करता था मजा आता था ये सब करने के बाद बोन प्लाज्मा फिजिक्स क्योंकि फ्रेंड भी उसी सर्कल से बढ़ गए जरा सेमेस्टर आया तो जीपीए 2.0 से भी नीचे गिर गया उसी ने बोला कि भाई अपना बिस्तर बांधो और खिसको तू निकल रिएक्शन यही था कैसे हो सकता है तीन साल है मेरी जिंदगी के वो जाया नहीं हो सकते मेरे बाप की सेविंग है वो जाया नहीं हो सकती मेरा बहुत ज्यादा वक्त है मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा दोस्त है ऐसे कैसे खत्म हो सकता है बट यही कड़वी सच्चाई थी जो कि बदल नहीं सकती थी एक और कड़वी सच्चाई ये है कि हैप्पी समों के साथ सब बैठ रहे थे बट नोबडी वांट्स टू सिट विद सैड सम सही बात है ये अगर तुम्हारे लेफ्ट पे एक बंदा परेशान बैठा है और राइट पे तुम्हारे एक बंदा गिटार बजा रहा है तुम किसके पास जाओगे ऑब्वियसली गिटार वाले के पास थोड़ा शुगर पर गलत बात होती है मुझे कॉल आती है जिसमें मेरी सिस्टर बोलती है कि हर मदर हैज सोल्ड ऑल ऑफ हर ज्वेलरी ऑन योर स्टडीज वो भी चली गई पानी में नाउ माय मदर लव्स गोल्ड मैं ये नहीं कह रहा कि माय मदर इज अ गोल्ड डिगर बट ट्रेडिशनल सिंध की औरतों को गोल्ड बहुत ज़्यादा प्यारा होता है हॉस्टल से मैं अपना सामान इकट्ठा कर रहा हूँ निकलने के लिए और मुझे ये पता है कि मेरे सारे उन दोस्तों के सामान अंदर ही पड़े हैं वहीं रहेंगे लेकिन मैं निकल जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मुझे एक दुल्हन की रुखसती का दर्द मालूम दिखा नहीं सकता था तो मैंने उधार सुधार लेके फ्लैट ले लिया पैसे वैसे पास कोई थे नहीं उस फ्लैट के नीचे एक बाबा चने लगाता था बाबे ने कहा कि बेटा बहुत हो गया तुझे उधार पे मैंने बहुत चने खिला दिए तो अगर आज भी तेरे पास पैसे नहीं तो आई एम सॉरी क्योंकि मैं खुद एक उदार आदमी हूँ तो मैंने कहा ठीक है चाचा जी ना दे मैं मार्ट चला गया और वहाँ से मैंने लिए दो टैंक के साशे घर आए और 1.5 लीटर के पानी की बोतल में टैप वाटर डाल के साशे टैंक के डाल के आई सर्वाइव 2 days ऑन दैट बॉटल 2 freaking days ऑन 1.5 लीटर टैंक की बोतल गर्मियों में सुबह सुबह जब टैंक पता चलता था कि अच्छा सुबह हो गई है 6 बज गए चूंटियों की कतार रिंग रिंग के चलते तो आदत सी हो गई थी मुझे भी अच्छा लग गया प्रॉब्लम्स बढ़ते गए मसले का मेरे वर्ग गई है जो सॉल्यूशन नहीं तो क्या हो सकता है एस्केप और बेस्ट एस्केप क्या होता है मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैं हशीश का एडिक्ट था अब हशीश को उर्दू का वर्ड बहुत ही बुरा है तो मैं यूज नहीं कर रहा हैश ने मुझे इस कदर बर्बाद कर दिया कि मैं मिस्र की मम्मियों की तरह दिखने लग गया फुल स्टॉप लगा दिया मैं सर जी घर चले जाते हैं एटलीस्ट खाना तो मिलेगा ऊपर से हैश के बाद इतनी भूख लगती है घर पे बैठ के मैंने की कुत्तों की तरह एमसीए की तैयारी आर्ट्स कॉलेज में भाई ने सोचा किसकी एमसीए हो गया तो मैं अपनी जिंदगी को चमका दूंगा 8 महीने कमरे में बंद करके चारों तरफ मैंने मोटिवेशनल कोट्स लगा दिए कुत्ते वाली तैयारी करने के बाद एमसीए का टेस्ट क्लियर कर दिया और इंटरव्यू में लुढ़क गए फेल हो गए रिजेक्ट हो गए बस एमसीए वही करना है जिसमें खुशी मिलती है किधर है नशा कहाँ है और तब से शुरू हुआ डार्केस्ट एरा ऑफ माय लाइफ आई स्टार्टेड क्रिस्टल मेथ इज आल्सो कॉल्ड मेथम्फेटामीन वर्ल्ड के सबसे डेडलीस्ट ड्रग्स में ये 6 नंबर पे आता है जिसका मैं प्रॉपर कोई महीनों से एडिक्ट बन चुका था क्रिस्टल मेथ एक ऐसा ड्रग था जो वर्ल्ड वॉर में सोल्जर्स को दिया जाता था ताकि उनको नींद ना आए और जितना नींद नहीं आती उतनी आपकी सेहत खराब होती जाती है आई स्टार्टेड यूजिंग हैश क्रिस्टल मेथ एंड कंज्यूमिंग अल्कोहल ऑल एट वंस मैं ये सब अपने दोस्तों के साथ करता रहा और अचानक उनमें से एक दोस्त की डेथ हो गई और उस इवेंट ने मेरा दिमाग फूक कर दिया अभी मैं बिल्कुल क्लियर हूँ बट कमिंग बैक फ्रॉम ऑल दैट शिट वाज वेरी गुड वो 2 पल की खुशी के लिए भाग रहे होते हो और पीछे आपके मसले हल नहीं हो रहे हो बल्कि बढ़ते जाते हैं इसकी खूबसूरत मिसाल मैं ये देता हूँ कि जैसे आप ऑफिस नहीं जाते लेकिन पीछे आपके ऑफिस में हर रोज कोई बंदा नई परेशानी की फाइल रखता जा रहा है जब आप वापस आओगे तो देखो कि तो छुट्टियों पे था और ज्यादा काम हो गया अब ये सब मेरी जिंदगी के साथ चल रहा है और अचानक मुझे एक कॉल आ जाती है मेरे घर से और वो ये बोलते हैं कि वी आर फेसिंग डेथ threats I don't know somehow my family got into a fight with some वडेरे का बेटा जो कि बहुत पावरफुल था तो हमें
वो हिजरत बहुत ज्यादा जरूरी होगी। अरे भाई इधर डिग्री चली गई, रिजेक्ट हो गए, भूख लगी, अब फैमिली भी खतरे में, सब कुछ दिमाग में शट डाउन करके मैं अपने फ्लैट की तरफ जा रहा हूँ। फिरदौस मार्केट से गुजर रहा हूँ, लेफ्ट राइट पे खाने बन रहे हैं और मेरी कोशिश है कि ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है और सुनना भी नहीं है। जिस घड़ी में फ्लैट पे पहुंचा आई क्लोज द डोर एंड आई क्राइड लाइक अ फ्रीकिंग बेबी। और जैसे ही होश संभाला तब सोचा कि भाई कुछ करना पड़ेगा, अपने पास एक ही चीज रह गई है और वो है मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ करना पड़ेगा, कुछ अकेले बनाना पड़ेगा जैसे Awesome Speaks। शुरू में ऑडियो में अपनी क्लिप्स बनाता रहा, जून जुलाई की तपती गर्मी में नीचे बैठ के पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग करता रहा। रिश्ता नहीं आता उस मुल्क के गानों में, ये फेयरन लवली का ब्रांड भी घुसेड़ दो घुसेड़ दो। साथ में मेरी आहिस्ता आहिस्ता हसीब के साथ भी दोस्ती बन गई। हसीब को मैंने अपना डिपार्टमेंट दे दिया कि भाई तू स्पॉन्सर्स संभाल और अगर मुझसे कुछ सीखने को तुझे मिलता है तो अपना चैनल भी स्टार्ट कर दे। और चलते ही चलते हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो गए और सिल्वर प्ले बटन आ गया। उसी 1,00,000 की खुशी में पहला फेस कैम किया जिसमें आप क्लियरली बहुत ज्यादा गंदा किस्म का बदबूदार पसीना मेरे मुंह पे देख सकते हो। एक पास तो मिल गया था लेकिन ये स्ट्रगल वाले रास्ते में कांटे पड़े थे। वो कांटों पे चलते चलते मैंने अपनी फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, उनको घर लेके दिया, उनको गाड़ी लेके दी। बट आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट द गाड़ी एंड द घर, द पॉइंट इज दैट यू मस्ट नॉट गिव अप। So thank you. Very nice. वीडियो को व्यूज नहीं दिए, you have saved someone's life. ये थैंक यू मेरी तरफ से नहीं है, this is all from my family members. So thank you so much for 1,000,000 subscribers. Keep supporting me. And if this video somehow motivates you, तो अपने सारे दोस्तों के साथ motivate तो बनती है भाई। मिलते हैं आप एक regular video. भाई क्या वीडियो बनाई है, सिरा सिरा नहीं मैं सोचता पहले बोर होगी इसकी वीडियो क्योंकि ऐसी वीडियो भी देखता नहीं ना मोस्टली। हां उन्हें अपना सारा हाल दसे है ना, भी मैं दादा करके और ड्रग्स भी लेने लग गए थे है ना वो, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जब उन्होंने पता लग गया मेरे दोस्त की डेथ होगी जिन नाल कोई सलूशन नहीं निकलता खराब करता है सेहत नु, उन्होंने छड़िया। वैसे कहंदे नहीं काम करते रहना चाहिए, बेला दिमाग शैतान दा घर बन जांदा। एक डायलॉग वैसे क्या होता है, वेले आदमी से जमीन भी चिढ़ती है, ये डायलॉग भी है। अरे नहीं मैं आप पता लगा ये लोग मुझे बोलते हैं ना यूट्यूब वाले बड़े मजे करते हैं ये करते हैं वो पैसे होते हैं, भाई देखो कितना स्ट्रगल होता है लाइफ में, हमारे में इतने नहीं है क्योंकि हम थोड़े हैं ऊपर वाले, तो हमारी लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं है, थैंक गॉड वो हमारे पूर्वजों ने ऐसा काम करके गए इधर। ठीक है, बट जो लोग ऐसे अपने दम पे उछले हैं, ऐसे खुजली फैमिली निकला है अपने दम पे, बीबी के वाइन है जो इंडिया में चैनल है सबसे बड़ा चैनल है, सेकंड हाईएस्ट सब्सक्राइबर चैनल है बीबी के वाइन, वो खुद के दम पे आया, वो भी आ गया ऐसे ही। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, जैसे खुजली फैमिली की वीडियो तैयार नजारे आ गए भाई, मजे आ गए वीडियो देख के। ठीक है, अब तक की लग रहा है मुझे खुजली फैमिली, मुझे लग रहा था बोर होगी पर अब तक की लग रहा है सबसे बेस्ट वीडियो है। पर यह हमें लग रहा था ना यहाँ पे स्टार्टिंग में बोर और मेहनत करनी चाहिए, मैं भी सोच रहा था कॉमेडी वीडियो बनाऊंगा पर टाइम ही नहीं मिलता है, पर अब लग रहा है कॉमेडी है तो बना सकते हैं तेरे में आई नो। चलो ठीक है, तो गाइस ये वीडियो खत्म करना, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बोले खुद हमको सपोर्ट करनी एज मच यू कैन, वीडियो खत्म करना, लव यू गाइस, पीस।